गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। और इस टॉपिक का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है जिसे हम लोग नेम देते हैं फोर्स। सो व्हाट इज फोर्स? बेसिकली फोर्स इज एन एजेंट व्हिच चेंजेस और टेंड्स टू चेंज the position of rest or of uniform motion in a straight line or the direction of motion of the body। ठीक है, बेसिकली फोर्स हमारा एक एजेंट है, ये आपको ध्यान रखना है, जिसकी वजह से स्ट्रेट लाइन मोशन में अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसमें चेंजेस, उसकी पोजीशन, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो उसकी पोजीशन में चेंज लाता है या फिर ला सकता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे हमेशा याद रखिएगा चेंजेस और टेंड्स टू चेंज, ये दो पॉइंट आपको याद रखने हैं। चेंज भी हो सकता है और चेंज करने के लिए टेंड्स टू भी कर सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब आप अगर से और दूसरा सिंप्लीफाई वे से अगर आप इसे करना चाहें तो एक और इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि फोर्स इज एन एजेंट हुज एक्शन प्रोड्यूसेस एन एक्सीलरेशन। तो यहाँ पर जो आपका फोर्स का मींस है वो है नेट फोर्स से, सिंगल फोर्स से, नेट फोर्स। ठीक है, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये सब लोग जानते ही हैं। और इसमें एक और पॉइंट याद रखना है कि इट इज़ अ पोलर वेक्टर, क्योंकि इसमें स्टार्टिंग पॉइंट पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होता है एंड इट कैन बी क्लासीफाइड एज पॉजिटिव और निगेटिव। अ पॉजिटिव फोर्स मीन्स रिपल्शन, वेयर एज अ निगेटिव फोर्स मीन्स अट्रैक्शन, ये आपको जरूर ध्यान रखना है। पॉजिटिव फोर्स का मीन्स रिपल्शन एंड निगेटिव फोर्स का मीन्स अट्रैक्शन। ठीक है, इसके बाद इसी चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक की बात आती है जिसे हम लोग बोलते हैं मोमेंटम। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनिएगा, आप लोगों ने पहले भी इसको डिस्कस किया हुआ है। बेसिकली मोमेंटम है क्या? आप अगर मैं अगर बात करता हूँ कि सपोज दैट एयर इन स्लो मोशन इज़ अ प्लीजेंट ब्रीज, जानते ही हैं आप लोग, बट व्हेन इट्स वेलोसिटी बिकम वेरी लार्ज इट इज़ अ डिवास्टेटिंग स्टॉर्म। फर्दर कोलिजन विद अ स्लो मूविंग बाइसिकल इज नॉट एट ऑल दैट सीरियस as that with a car or a truck moving with the same speed. Thus, the effect of a moving body cannot be described either by its speed or by its mass alone. Okay? So, there is a new physical quantity which is called momentum and which combines the effect of mass m and velocity v both. Okay? तो इन मोमेंटम, ये आपको ध्यान रखना है, मोमेंटम कंबाइंस द इफेक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी बोथ। तो क्वांटिटेटिवली अकॉर्डिंग टू न्यूटन द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन पजेस्ड बाय द बॉडी एंड इट्स वैल्यू, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स वैल्यू, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय पी वैक्टर एंड इट्स वैल्यू इज इक्वल टू मास इन टू वेलोसिटी वैक्टर। ओके, तो p इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट एक्वायर्स द सेम डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यूनिट आप जानते ही हैं इसकी, मास की यूनिट kg, स्पीड की यूनिट वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकेंड, तो kg मीटर पर सेकेंड आपकी मोमेंटम की यूनिट हो जाती है। ठीक है, SI यूनिट है आपकी, ये ध्यान रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड एक दो जनरल पॉइंट हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ कि इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वांटिटीज इन द फिजिक्स, लाइक लाइट विच इज़ नॉट अ पार्टिकल इन द ऑर्डिनरी सेंस। ओके, सपोज दैट मैं लाइट की बात भी, जैसे मैंने आपको बताई कि लाइट तो पार्टिकल सेंस में आप नहीं ले सकते हो अभी फिलहाल, ऑर्डिनरी सेंस में इट इज़ नॉट अ पार्टिकल, लेकिन लाइट में भी मोमेंटम होता है। ठीक है,
साइक्लॉन्स आपने सुना होगा, साइक्लॉन्स बहुत कभी कभी डिस्ट्रक्शन कर देते हैं, तो ये भी उनके लार्ज मोमेंटम की वजह से होता है। ठीक है, मास तो वही रहता है लेकिन मोमेंटम बहुत हाई हो जाता है क्योंकि स्पीड बहुत हाई हो जाती है। ठीक है, एयर का मास तो कुछ भी नहीं है, बहुत कम है, लेकिन बहुत हाई स्पीड से चल रही है, उसने साइक्लोट्रॉन को बहुत स्ट्रॉन्ग कर दिया। ठीक है, सिमिलरली व्हेन वी वांट टू ड्राइव अ नेल इनटू अ पीस ऑफ वुड विद अ हैमर, वी टेक द हैमर टू अ ग्रेट डिस्टेंस बिफोर स्ट्राइकिंग सो सो दैट इट पजेसेस लार्ज मोमेंटम। तो मोमेंटम को हम इन सारे एग्जांपल से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, इसी से ही हमारा न्यूटन फर्स्ट लॉ आया। और न्यूटन फर्स्ट लॉ में न्यूटन ने क्या बताया हम लोग को, न्यूटन फर्स्ट लॉ जो आया उसने कहा एवरीबडी इन द यूनिवर्स कॉन्टिन्यूज टू बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनटिल एंड अनलेस इट इज कंपेल्ड बाय एन एक्सटर्नल फोर्स टू चेंज दैट स्टेट। ये न्यूटन का हमारा फर्स्ट लॉ था। और इसके बाद सेकेंड लॉ आया, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज प्रपोर्शनल टू इम्प्रेस्ड फोर्स एंड इट टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन इन विच द फोर्स एक्ट्स। ये सेकेंड लॉ था। और थर्ड लॉ आप जानते ही हैं, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये हमारे तीन न्यूटन ने लॉ दिए थे जो आपने 9th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। और इन लॉस को अगर आप ध्यान से देखना चाहें तो जो हमारा मेन पॉइंट आता है इसमें फर्स्ट लॉ के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमारा है इनर्शिया, जो रिस्पॉन्सिबल है। तो इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया बेसिकली अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर फॉर दिस। ठीक है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो था, इसीलिए हम न्यूटन इसको हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। ये ध्यान रखिएगा, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। उसका रीज़न ही ये है क्योंकि इनर्शिया जो है हमारी बॉडी की फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर होती है, मैटर की ही फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है। तो आपने पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ है, पढ़ा हुआ है इसको कि व्हाट इज़ इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स अपॉन मास। जैसे जैसे मास आपका इंक्रीज़ करेगा इनर्शिया आपका इंक्रीज़ करने लगता है। तीन टाइप्स के होते हैं ये, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी ड्यू टू विच इट कैन नॉट चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट बाय इट्सेल्फ। ठीक है, एग्जांपल आप जानते हैं, अब एक ट्रेन या कार है या बस है, बस पे अगर कोई पर्सन खड़ा हुआ है, अचानक अगर बस सडनली स्टार्ट ले लेती है, तो बस अगर सडनली स्टार्ट लेती है तो जो पर्सन होगा वो बैकवर्ड फॉल कर जाएगा, इसे आप इनर्शिया ऑफ रेस्ट के नेम से भी जानते हैं। ऐसे ही आपने प्ले भी किया होगा, गेम भी खेला होगा कि एक ग्लास है उसके ऊपर आपने एक कार्डबोर्ड रख दिया, उसके ऊपर आपने कॉइन रख दी, अगर आप कार्डबोर्ड को बहुत फास्ट बहुत हार्ड अगर आप स्ट्राइक करते हैं तो कॉइन जो होता है वो ग्लास में ड्रॉप हो जाती है ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। सेकेंड आपका इनर्शिया ऑफ मोशन होता है। इनर्शिया ऑफ मोशन क्या है, इट इज़ अ टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रिमेन इन अ स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। सेम इसका भी एग्जांपल है, सपोज़ क्या है, एक पर्सन है जो एक बस में खड़ा हुआ है, वो बस हमारी मूव कर रही है, सडनली अगर बस में ब्रेक लगा दी जाए तो पर्सन फॉरवर्ड आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में फॉल कर जाएगा ड्यू टू द मोशन ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन। इसी तरीके से जब कोई एथलीट को किसी को जंप करना होता है, लॉन्ग जंप या हाई जंप, तो वो काफ़ी फास्ट रनिंग करते हुए आता है और बिफोर टेकिंग जंप, जिसकी वजह से उसको एक स्पेशल इनर्शिया ऑफ मोशन मिल जाता है जिससे वो जंप करता है। ठीक है, और एक और एग्जांपल है, इफ़ अ पर्सन एलाइट्स फ्रॉम अ मूविंग ट्रेन विदाउट प्रिकॉशन ही इज थ्रोन फॉरवर्ड ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ मोशन। ये भी आप जानते हैं, तो ये आपको इनर्शिया ऑफ मोशन के हैं। और एक लास्ट है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, जिसे डायरेक्शनल इनर्शिया भी बोलते हैं। ये क्या होता है, इट इज़ अ प्रॉपर्टी an account on account of which a body cannot change its direction of motion by itself। तो इसके भी example अगर आप देखना चाहें, जब भी कोई vehicle motion में होती है उसके अंदर directional inertia अपना खुद का होता है, खुद own करती है वो, and the mud striking to its wheel
flies off tangentially in a vehicle. The mud guards are so arranged that this flying mud, instead of spoiling the vehicle, stick to them. मड गार्ड का काम इसी के लिए होता है आपका. तो ये आपका था. इसके बाद सेकेंड एक्सेप्टेंस ऑफ द लॉ जो आपकी आती है फोर्स की डेफिनेशन की, तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है. इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा. यहाँ से थोड़ा डेरिवेटेड फॉर्म में आपको समझाने जाऊँगा. तो फोर्स की एक्सेप्टेंस थी सेकेंड लॉ से आई थी. और ध्यान से इसको देखिएगा ज़रा. तो सपोज कर लीजिए कि एफ एक फोर्स है जो किसी बॉडी पे वर्क कर रहा है, एक्सटर्नल फोर्स. एम इज द मास ऑफ बॉडी. एंड पी इज द वेक्टर, पी इज द मोमेंटम ऑफ बॉडी. तो ये डीपी बाय डीटी, इट इज कॉल्ड रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. या पहले नाइन्थ स्टैंडर्ड में थे तो आपने पढ़ा भी था रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. ठीक है. तो न्यूटन के सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग कि जो फोर्स एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड बाय अस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. ठीक है. और मोमेंटम की वैल्यू अगर आप यहाँ पे रिप्लेस करते हैं तो आप लिख सकते हैं इसको एफ प्रोपोर्शनल टू डी एम वी वैक्टर डिवाइडेड बाई डी टी. सिमिलरली एफ प्रोपोर्शनल एम डी वी वैक्टर बाई डी टी. एंड डी वी बाई डी टी को आप क्या लिख सकते हैं, डी वी बाई डी टी को आप लिख सकते हैं एक्सीलरेशन. तो एफ प्रोपोर्शनल टू मास इंटू एक्सीलरेशन. जब यहाँ प्रोपोर्शन साइन रिमूव करते हैं तो कांस्टेंट प्रेस कर देते हैं, जिसे हम लोग के का नेम देते हैं. और के इज ऑल्सो नोन एज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. ठीक है. तो यहाँ पर के की वैल्यू हमारी 1 होती है. बहुत 99% केसेस में हम लोग के की वैल्यू 1 लेते हैं. तो फाइनली हमारा आंसर हो जाएगा एफ इज इक्वल टू एम ए. ये आपका न्यूटन सेकेंड लॉ है. इसको ध्यान से देख लीजिएगा. आई होप कि ये दोनों आपको समझ में आए होंगे सारे लॉस. इसके बाद हमारा एक पॉइंट और आता है जिसे हम लोग बोलते हैं इम्पल्स. ये अगर आप नोट करना चाहें तो नोट भी कर सकते हैं. और इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसमें वो आता है इम्पल्स. इम्पल्स बेसिकली क्या है, तो आप इसे मेजरमेंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स भी बोल सकते हैं. ये आपको बहुत सिंपली एक्सप्लेन किया गया था नाइन्थ स्टैंडर्ड में. बेसिकली इम्पल्स इज द मेजर ऑफ द एक्शन ऑफ द फोर्स, मेजर ऑफ द एक्शन ऑफ द फोर्स. ये आपको ध्यान रखना है. एंड अगर आप एक ग्राफ के थ्रू अगर हम इसे एक्सप्लेन करना चाहें, तो अगर एक बॉडी पे T1 टू T2 टाइम तक एक कांस्टेंट फोर्स आप अप्लाई करो, ये फोर्स की डायरेक्शन है और ये फोर्स एक्सिस और ये टाइम एक्सिस है आपकी. ए टू बी आपने फोर्स अप्लाई किया T1 टू T2 टाइम तक, तो जो ये आपका एरिया कवर होता है इसमें फोर्स टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है यही इम्पल्स शो करता है. सपोज़ कर लीजिए ये फोर्स आपका एफ है और ये टाइम इंटरवल आपका टी निकला. तो न्यूटन सेकंड लॉ जो आपने पढ़ा हुआ था ये आपको ध्यान रखना है कि फोर्स इज इक्वल टू डी पी बाय डी टी, ये आप लोग जानते हैं. ठीक है. तो यहाँ से अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो एफ डी टी इज इक्वल टू डी पी. अब यहाँ पे देखिए फोर्स इनिशियल टाइमिंग टी वन से टी टू तक लग रहा है, तो यहाँ पर अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर देता हूँ टी वन टू टी टू,
यहाँ पर भी मैं इंटीग्रेशन करता हूँ तो इनिशियल मोमेंटम पी वन एंड फाइनल मोमेंटम पी टू। तो यहाँ से सिंपली आप कर सकते हो, तो एफ आप आउटसाइड निकाल लीजिए, एफ वेक्टर वन बचेगा, वन का टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन आपका टी होता है, टी वन टी टू। सिमिलरली यहाँ वन पी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो पी आएगा, पी वन वैक्टर पी टू वैक्टर। तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो एफ वैक्टर टी टू माइनस टी वन एंड पी टू वैक्टर माइनस पी वन वैक्टर। तो यहाँ पर आप इसे एफ टी टू माइनस टी वन को टी का नेम दे सकते हैं, तो एफ़ इंटू टी, एफ वैक्टर इंटू टी इज इक्वल टू, साफ साफ आपके सामने है, चेंज इन मोमेंटम। तो दिस क्वांटिटी इज कॉल्ड इम्पल्स एंड इम्पल्स इज ऑल्सो इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, ये आपको ध्यान रखना है। फोर्स टाइम ग्राफ में जो इम्पल्स होता है वो फोर्स टाइम ग्राफ का एरिया होता है। जैसे ये ग्राफ, यहाँ पे फोर्स कांस्टेंट है तो ये एरिया हो गया। अगर फोर्स कांस्टेंट ना होता, सपोज दैट ये फोर्स होता, ग्राफ आपका ये होता तो एरिया आपका ये वाला हो जाता। तो फोर्स टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वही आपका इम्पल्स शो करता है। तो इसको ध्यान से देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट वीडियोज़ है, इंपॉर्टेंट लेक्चर है आपका न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के लिए, बेसिक लेक्चर्स में आता है ये।